हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने हिंदी की पाठ्य पुस्तक के 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम व्याकरण का करेंगे पाठ नंबर 3। पाठ दो आप पहले कर चुके हो, पाठ नंबर 1 और 2। आज हम करेंगे पाठ नंबर 3, ठीक है? पाठ का नाम है पाठ नंबर 3, शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य, बच्चों जो शब्द होता है वो वर्णों के मेल से बनता है, जिसको शब्द कहते हैं, ठीक है? और जो वाक्य है जो शब्दों के मेल से बनता है उसको वाक्य बोलते हैं, ठीक है बच्चों? अब हम इसको संक्षेप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द। शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये बच्चों कह रहे हैं दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जो वर्णों का सार्थक होता है, सार्थक मतलब सही तरह से जो उनका मेल बनाया जाता है उसको शब्द कहते हैं, ठीक है? जैसे इन्होंने जैसे उदाहरण दिया है, यहाँ पेड़, जैसे ये पेड़ है, ये एक सार्थक शब्द है। जैसे अब इसको उल्टा सीधा हम जैसे डे ड पे लिख देते, डेप लिख देते, क्या इसका ये कोई एक अर्थ निकलता? नहीं निकलता। जो वर्णों का सार्थक रूप है, ठीक है, उसको शब्द कहते हैं। जिस शब्द को हम सही वर्णों में सही क्रम में लिख कर लिखते हैं, जिसका कोई अर्थ बनता है, उसको शब्द बोलते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, पेड़, बच्चे, चिड़िया, झूला, फूल, परी आदि दिखाई दे रहे हैं। ये सभी शब्द अनेक वर्णों के मेल से बने हैं। ये सारे अनेक वर्णों के मेल से बने हैं, इनको शब्द कहते हैं। अब हम इन्हें देखते हैं ये कौन से वर्णों के मेल से बने हैं। इन्होंने जैसे इनको वर्णों की संधि करी हुई है, शब्दों की संधि करी हुई है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे ये पेड़ लिखा हुआ है यहाँ पे, पेड़, पे ए की मात्रा है, जो प है ये आधा प है और इसमें ए जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? पे। और जो ड है वो ये ड देखो, ये ड किन दो वर्णों से मिलके बना है? ड और अ, ड और अ से मिलकर बना है, तो ये क्या बन जाएगा पूरा शब्द? पेड़। मतलब कि इसमें कितने शब्द, कितने वर्ण यूज हुए हैं? चार वर्ण। चार वर्णों के मेल से क्या बना है? ये पेड़। समझ आया बच्चों? ठीक है, ऐसे ही आगे दिया है, ब अ च च ए, तो ये क्या है? बच्चे। समझ आया? इन वर्णों, बच्चे जो है कितने शब्द, कितने वर्णों से मिलकर बना है? ब अ च च ए, ठीक है, समझ आ गया? ऐसे ही हम आगे देखते हैं, च ई ड ई य आ, चिड़िया, ठीक है? ये चिड़िया है जो इतने वर्णों के मेल से बनकर बना है। जो वर्णों का सार्थक मेल है, इन सार्थक मेल से बन के बना है चिड़िया। समझ आ गया? ऐसे ही आगे है, ज उ ल आ, झूला। फ उ ल अ, फूल। प अ र ई परी। समझ आ गया बच्चों? ऐसे ही आपने कुछ अपने तरफ से अपने शब्द लेने हैं और उनकी वर्णों की ध्वनियों को अलग अलग करके देखना है। जैसे ये ध्वनियों को अलग अलग किया हुआ है, ऐसे ही आपने भी कुछ ऐसे शब्द लेने हैं और उनकी वर्णों की ध्वनियों को अलग अलग करके देखना है, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा शब्द कितने वर्णों के मेल से बना है, ठीक है? अब करते हैं पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पे क्या पूछा गया है? इन सभी शब्दों के अर्थ हैं।
यदि वर्णों के मेल का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता तो उसे शब्द नहीं कहा जा सकता। बच्चों, अगर वर्णों के मेल से कोई सार्थक अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं, अगर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता तो उसको शब्द नहीं कहते। जैसे अब मैंने पहले आपको समझाया था ड पे, अगर हम ड पे लिखें तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो ये एक शब्द नहीं है। ली मा, अगर लीमा लीमा कोई शब्द है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। लाजू लाजू कोई शब्द है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। च चे च ब चेचब चेचब कोई शब्द है नहीं, इसका भी कोई शब्द कोई भी अर्थ नहीं है। तो इसीलिए जो इनका सार्थक रूप होता है उसको शब्द कहते हैं। जैसे ये जो भी शब्द लिए हैं इनका कोई भी सार्थक रूप नहीं है, इनको किसी भी क्रम में नहीं लिखा है, किसी भी क्रम में नहीं है, तो इसका कोई भी शब्द नहीं है क्योंकि इनसे कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए वर्णों के मेल शब्द नहीं कहलाएंगे क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। इनके जो वर्णों के मेल का हमने मेलों का जो मेल किया है, इनका कोई भी शब्द नहीं है, इनका कोई भी अर्थ नहीं है, तो इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ आ गए बच्चों। जो वर्णों का सार्थक रूप है, सार्थक मेल है, उसको शब्द कहते हैं, जो और जिनका कोई अर्थ निकलता है और जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो शब्द नहीं है। जिन वर्णों का हम सार्थक मेल करते हैं वो शब्द होते हैं, जिनका सार्थक मेल नहीं होता वो शब्द नहीं होते। ठीक है, आगे करते हैं हम वाक्य। पहले हमने बात करी शब्द की, अब है वाक्य की। वाक्य किसे कहते हैं, पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना आपने। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। समझ आया बच्चों, जो वर्णों का सार्थक मेल है उसे शब्द कहते हैं, जो शब्दों का सार्थक मेल है उसे वाक्य कहते हैं। समझ आया बच्चों, ध्यान से सुनना आपने। जो वर्णों का सार्थक रूप है वो शब्द कहलाता है और जो शब्दों का सार्थक मेल है वो वाक्य कहलाता है। समझ आया, जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये देखो, अब ये मैं एक शब्द है, क्रिकेट एक शब्द है, खेलता शब्द है, हूँ भी एक शब्द है, इनका हमने एक सार्थक रूप लिया है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, देखो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यह एक सार्थक मेल है, किसका मेल है, शब्दों का। शब्दों का जो सार्थक मेल है उसे वाक्य कहते हैं। जो ये एक सारा है ये क्या हो जाएगा, एक वाक्य है। क्या है, ये एक वाक्य है, किसका वाक्य है, शब्दों का सार्थक मेल। इसमें शब्दों को सार्थक मेल में रखा है तो ये एक वाक्य बन गया है। अगर इन शब्दों को हम उल्टा करके लिखते हैं, हूँ खेलता मैं क्रिकेट, क्या ये एक लाइन बनती है पूरी, नहीं बनती, तो ये एक वाक्य नहीं कहलाएगा। अगर सही सार्थक मेल है तो उसका वो एक वाक्य कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया, आगे बढ़ते हैं। इस वाक्य में शब्दों का मेल ऐसा है कि उससे एक निश्चित अर्थ निकलता है, अतः यह मेल वाक्य कहलाएगा। किंतु यदि हम शब्दों को इस प्रकार लिखें, हूँ खेलता मैं क्रिकेट, क्या इससे कोई अर्थ निकलता है, हूँ खेलता मैं क्रिकेट, इससे कोई भी अर्थ, निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, तो यह एक वाक्य नहीं है। ठीक है, शब्दों का यह मेल सही नहीं है, अतः यह वाक्य नहीं कहलाएगा। समझ आया बच्चों, जो वर्णों का सार्थक मेल है उसे शब्द कहते हैं और जो शब्दों का सार्थक मेल है उसे वाक्य कहते हैं। समझ आया आपको, जो शब्दों का सार्थक मेल वो शब्द, जो वर्णों का सार्थक मेल है
वो है शब्द, और जो शब्दों का सार्थक मेल है वो है वाक्य। बच्चों इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है और ध्यान से इसको याद करना है। आगे हम करते हैं अभ्यास। अभ्यास बच्चों इसमें सही का उत्तर पर टिक्का निशान लगाना है। तो बच्चों पहला प्रश्न है, शब्दों से वर्ण बनते हैं। तो बताओ बच्चों क्या शब्दों से वर्ण बनते हैं? नहीं। तो नहीं पे हम क्या कर देंगे टिक मार्क। शब्दों से वर्ण नहीं बनते, शब्दों से तो क्या बनते हैं वाक्य। किससे बनते हैं? शब्दों से क्या बनता है? वाक्य। समझ आए बच्चों? आगे हैं, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द। हाँ ये टिक मार्क करेंगे यहाँ पे, हाँ पे वर्णों का जो सार्थक मेल है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पे प्रश्न नंबर ग, वाक्यों में शब्दों का उचित मेल होता है या नहीं होता? उचित मेल होता है, उचित मेल होता है तभी तो एक वाक्य बनता है। ठीक है, वाक्य में शब्दों का उचित मेल होता है, तो होता है पे हम क्या कर देंगे टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, अब आगे करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे करते हैं ख पार्ट, वाक्य किसके मेल से बनते हैं? वाक्य बताओ बच्चों किसके मेल से बनते हैं? शब्द बनते हैं वर्णों के मेल से, और वाक्य बनते हैं शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, जो वाक्य हैं किसके मेल से बनते हैं? वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। समझ आ गया बच्चों? ये प्रश्न उत्तर आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं और समझने हैं। ठीक है, आगे करते हैं क्रियात्मक कौशल। क्रियात्मक कौशल में क्या बताया गया बच्चों? पूछ देखते हैं, वर्णों का विच्छेद कीजिए, अर्थात उन्हें तोड़ कर लिखिए। हमने वर्णों का विच्छेद करना है, उन्हें अलग अलग करना है। हरी, अब हरी देखना हमें किससे किससे मिलके बना है, ह र और ई। ठीक है, दूध द उ ध। ठीक है, बालक ब आ ल अ क बालक। पुस्तक प उ स त क पुस्तक। ठीक है, ये हमने वर्णों का अलग अलग विच्छेद कर दिया। आगे करते हैं, शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। हम शब्दों को सही क्रम में रखना है और उनका वाक्य बनाना है। ठीक है, पहला देखते हैं, थी कल मैं गई बाजार। देखो ये कोई भी एक वाक्य नहीं बन रहा है, थी कल मैं गई बाजार। इसको कोई भी कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है, तो हमने इसको सही क्रम में लिखना है। मैं कल बाजार गई थी। ठीक है, ये एक निश्चित वाक्य बन गया, मैं कल बाजार गई थी। समझ आ गया बच्चों? आगे है, रहेगा बंद विद्यालय कल। देखो इसका भी कोई निश्चित अर्थ नहीं है, ये निश्चित क्रम में नहीं है, तो इसको हम निश्चित क्रम में लिखेंगे, कल विद्यालय बंद रहेगा। ठीक है, आगे है, करो किया प्रतिदिन व्यायाम। इसका सही क्रम क्या होएगा? प्रतिदिन व्यायाम किया करो। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? आपने ये अभ्यास बहुत अच्छी से तरह से समझना है और इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में, अपनी हिंदी की साफ कॉपी में क्या करना है? सबसे पहले आपने इधर तारीख डालनी है, जो आज की तारीख है 29 जुलाई 2020, और आज का दिन है बुधवार। और आप पार्ट नंबर कौन सा कर रहे हैं? पार्ट नंबर 3। पार्ट का नाम शब्द और वाक्य। ठीक है, पहले हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, मैंने पहले भी आपको पढ़ाए हैं, शब्द किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। बच्चों आपने अपनी कॉपी पे ये लिखने भी हैं और बहुत अच्छे से याद भी करने हैं। वाक्य किसके मेल से बनते हैं, अगला क्वेश्चन है, वाक्य किसके मेल से बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के मेल से क्या बनते हैं, वाक्य। वाक्य किससे बनते हैं, शब्दों के मेल से, ठीक है। जैसे उदाहरण है, इसका उदाहरण दिया हुआ है, कल विद्यालय बंद रहेगा। जो ये शब्द हैं इनका एक सार्थक मेल है, कल विद्यालय बंद रहेगा, तो ये क्या है, एक वाक्य, ठीक है। जो शब्दों का सार्थक मेल होता है उससे क्या बनते हैं, वाक्य। तो ठीक है बच्चों, आपने अपनी नोटबुक पे बहुत अच्छे से ये काम करना है और अच्छे से पाठ को पढ़ना है और समझना है वाक्य क्या होता है और शब्द क्या होते हैं। आपको एक बार और मैं बता देती हूँ, जो शब्द हैं वो वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं और जो वाक्य है वो शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपने ये अपना पार्ट नंबर 3 व्याकरण की बुक में बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसको अच्छे से याद भी करना है, ठीक है बच्चों। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है आप स्कूल से आके पूछ सकते हो। और आपने सबसे बड़ी बात, आपने अपने घर पर ही रहना है, अपने हाथ बार बार धोने हैं, स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, ठीक है। धन्यवाद।